हाय गाइस, सेकंड क्लास में आपको दिखाने वाला हूँ रिड्यूस नॉइस और डी नॉइस के बारे में। गाइस, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ रिड्यूस नॉइस क्यों करते हैं और डी नॉइस क्यों करते हैं। गाइस, डी नॉइस जो है वो न्यूक का डिफॉल्ट प्लगइन है, आप लोगों को पहले से पता होगा। रिड्यूस नॉइस एक प्लगइन है जिसे हमें बाई करना पड़ता है, ऑनलाइन लाइसेंस करना खरीदना पड़ता है, जो सबके पास अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो गाइस, जिसके पास रिड्यूस नॉइस नहीं है वो डी नॉइस यूज करे। अगर आपके पास रिड्यूस नॉइस है तो आप रिड्यूस नॉइस यूज कर सकते हो, पर जब भी आप गाइस कंपनी में आते हो वहाँ पर रिड्यूस नॉइस ही यूज करते हैं, क्योंकि वो लोग लाइसेंस को बाय करते हैं। तो गाइस, मैं आपको दोनों प्रोसेस दिखाता हूँ। जब भी हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग रिड्यूस नॉइस या डी नॉइस करते ही करते हैं कंपलसरी, क्योंकि गाइस जब शूटिंग होता है तो शूटिंग होने के बाद क्या होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे ग्रेन आते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे गाइस, यहाँ पे कुछ ग्रेन्स है, देखते हो थोड़ा ग्रेन्स दिख रहा है आपको, तो ये रिमूव करते हैं तभी काम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि गाइस, रिमूव करने पे क्या होता है ना, हमारा ट्रैक पॉइंट्स ना प्रॉपर पकड़ता है, हमारा क्लीन प्लेट प्रॉपर बनता है, हमारा जो भी कुछ भी काम होने में प्रॉब्लम होता है गाइस ना, वो सॉल्व हो जाता है। मतलब हमें विदाउट रिड्यूसनेस करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा काम करने में, ट्रैक का भी इशू होगा, इसकी वजह से गाइस हम लोग रिड्यूसनेस या डीनोइस करते हैं। ओके गाइस, तो गाइस प्रोसेस जो है, सबसे पहले दिखाता हूँ आपको डीनोइस। सो गाइस, आपको मैं दिखा देता हूँ। गाइस, मैंने वर्क फाइल ऑलरेडी सेव कर लिया है, यहाँ पे देख लो, तो टॉपिक है गाइस रिड्यूस नॉइस एंड डी नॉइस। इसके अंदर मैंने नाम बनाया अपना और अपना वर्क फाइल को सेव कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी कोई फाइल ओपन करो यहाँ पे आप पहले सेव कर लेना, तो मैंने सेव कर लिया। गाइस, जब भी आप काम स्टार्ट करो डी नॉइस रिड्यूस नॉइस कर लेना। तो गाइस, डी नॉइस जैसे आप जब भी यहाँ पे टैप प्रेस करते हो, डी नॉइस लेते हो गाइस, तो डी नॉइस में गाइस दो ऑप्शन आता है, बस आपको सोर्स कनेक्ट करना है आपको यहाँ पे, और नॉर्मली ऐसा पूछ रहा है एनालाइज, कोई भी एक फ्लैट एरिया लेके आप इसको एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो, इसको एनालाइज कर सकते हो, इसको आप नॉर्मली ऐसे क्लिक भी कर सकते हो, काम करेगा, कोई भी आपको कुछ बोलेगा नहीं। बहुत लोग बोलते हैं पर डोंट वरी गाइस, कोई इशू नहीं होता। इसको आप फ्लैट एरिया पे भी सेट कर सकते हो, फ्लैट एरिया आपका ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे भी सेट कर सकते हो ऐसे फ्लैट एरिया पे, जिससे आपका रिड्यूसेंस कम हो जाएगा। आप दिखाता हूँ मैं आपको, वन टू, ये आपका इनपुट है या आउटपुट, सी। तो ये कैसा है गाइस, बहुत ज़्यादा टेक्सचर लॉस हो रहा है, ज़्यादा टेक्सचर लॉस नहीं करना है गाइस। गाइस, अगर आपको रिड्यूस नॉइस डी नॉइस करने में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो सही है गलत, तो अपने टीएल या सीनियर को दिखा के आप रिड्यूस नॉइस अप्रूव कर लेना, आप रेंडर कर लेना और अपने सीनियर या टीएल्स को दिखा के अपने रिड्यूस नॉइस को अप्रूव कर सकते हो। इसके लिए डरने की बात नहीं है गाइस। ओके, तो ट्राई करो कि डिटेल ज़्यादा लॉस ना हो, ये ज़्यादा लॉस हो रहा है, पर आप डोंट वरी गाइस, आपकी वर्क किधर है, मेरी वर्क जो है यहाँ पे। ओके, मेरा जो वर्क गाइस इसको निकालना है, तो कैसा है ना, आप ट्राई करो इस एरिया पे ही देखने का। तो ये देखो, ये बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है, टेक्सचर्स ज़्यादा लॉस हो रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे ना आप रिफाइन कर सकते हो, जैसे रोल ऑफ को आप हमेशा वन रखो, जो थोड़ा टेक्सचर आएगा, देखो टेक्सचर थोड़ा सा आ गया। इसकी वैल्यू को भी आप 0.5 कर सकते हो, जिससे थोड़ा सा ही देखो अब ये सही लग रहा है, करेक्ट लग रहा है। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप रिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे फिल्म या डिजिटल अगर आपको पता है कि किस कैमरे से शूट हुआ तो आप यहाँ पे सोर्स दे सकते हो, यहाँ पे गाइस चेंज कर सकते हो। इससे गाइस क्या होता है ना, कि ऊपर जो लोगे तो थोड़ा ग्रेन रहेगा, ऐसा मतलब होता है, आप एक बार रिफाइन करना और चेक करना। ओके गाइस, यहाँ पे शार्पनेस थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, 0.2 अपने हिसाब से गाइस, यहाँ पे आप वैल्यू को ऐड कर सकते हो, ये डी नॉइस का काम है। ये होने के बाद गाइस डी नॉइस को आप रेंडर लगा सकते हो, पर वेट गाइस, अभी जो क्लास है वो सिर्फ रिड्यूस नॉइस और डी नॉइस के बारे में, रेंडर का प्रोसेस मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास पे। तो ये आपका होगा गाइस डी नॉइस का प्रोसेस, आप इसको रेंडर कर सकते हो पर अभी इसको साइड रखो। सेकेंड कॉपी करता हूँ मैं गाइस, लेता हूँ रिड्यूस नॉइस। रिड्यूस नॉइस प्लगइन है, इसको बस आपको सिंपली कनेक्ट करना है इसके अंदर जो भी शार्पन फ्रेम है, आपको देखना है कौन सा आपका शार्पन फ्रेम है, उस फ्रेम पे जाके आपको इसको सेलेक्ट करना है फ्रेम नंबर पे, उसके बाद इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है आपको है। यहाँ पे गाइस ऑटो प्रोफाइल का ऑप्शन है, बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये ऑटोमेटिकली आपको वर्क करता है। यहाँ भी गाइस फ्रेम दिया हुआ है, आप इस फ्रेम को भी सिलेक्ट कर सकते हो, नीचे दिया हुआ है, पर मैं यहाँ पे ऑटो प्रोफाइल करता हूँ, यस करता हूँ। गाइस यहाँ देख लो 43 गाइस, इसलिए गाइस क्योंकि आपका यहाँ पे जो भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, एक से मैं इसको अप्लाई करता हूँ पहले। गाइस ये जो वैल्यू देख रहे हो क्वालिटी, ये आपका 50 प्लस के ऊपर हो तो अच्छा होता है, पर गाइस कभी कल नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। तो गाइस यहाँ पे जो होता है ना, आपका साइज है फुटेज का, उसके हिसाब से वर्क करता है। अगर आपका ये साइज 4K है तो आपका वहाँ जो क्वालिटी वैल्यू 90 शो कर सकता है, पर गाइस यहाँ पे जो क्वालिटी वैल्यू साइज वैल्यू होता है उसके हिसाब से ही शो करता है। ओके गाइस, मुझे फिर से सेम सेटिंग को ओपन करना है, पर पहले 1 2 आप देखो ये रिड्यूस नॉइस आपका ये वर्क किया है।
ज़्यादा रिड्यूस नॉइस नहीं हटाया इसने, कम ही हटाया है, और टेक्सचर भी इसने रखा है और ज़्यादा कम, इसलिए क्योंकि भाई इसका साइज़ जो क्वालिटी है बहुत कम आया है। तो हम लोग फ्रेम चेंज करते हैं, फिर से आते हैं, फिर से प्रीपेड टू नॉइस करते हैं, थोड़ा हैवी होता है गाइस, ऑटो प्रोफाइल करते हैं। इसमें बस आपको ऑटो प्रोफाइल करना है और यहाँ पे आप ऑटो फाइन ट्यून कर सकते हो। 43 आया, 43 तो फ्रेम चेंज करते हैं, जितना फ्रेम चेंज करोगे उसके हिसाब से क्वालिटी इंक्रीज होता है गाइस। पर इसका साइज बहुत कम है इसके लिए ऐसे दिख रहा है गाइस। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना इसको भी आप चेंज कर सकते हो, पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको कुछ भी चेंज मत करना, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करने आपको। ज़्यादातर आपको सिंपली गाइस आपको आने हैं, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ रिड्यूसर्स। जब भी आपको रिड्यूसर्स मिले आप रिड्यूसर्स लेना, इसको कनेक्ट करना, सिंपली यहाँ पर कनेक्ट करना और प्रीपेड टू नॉइस प्रोफाइल करना, सिंपली ऑटो प्रोफाइल करना एंड यस करना एंड अप्लाई कर देना। ओके जितना भी वैल्यू आता है गाइज उसके हिसाब से आप इसको रेंडर कर सकते हो। आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे आके भी आप चेंजेस कर सकते हो, फिर से सेम सेटिंग में जाके आप चेंजेस कर सकते हो। पर यहाँ पे गाइज चेंजेस मत करो, मैं आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि ये रिड्यूसर्स कैसा है ऑटोमेटिक अच्छा कर देता है। तो साइज के हिसाब से वो वैल्यू कम लिया है, वो 50 के ऊपर होता तो अच्छा होता। ओके गाइज सो अभी गाइज आप रेंडर कर सकते हो। अभी गाइज क्या है मोस्टली ना 90% लोग बस यहाँ पे लगाते हैं रीफॉर्मेट और राइट नोड एंड रेंडर कर देते हैं। ओके गाइज और सेम रेंडर कर देते हैं, जिसको रिड्यूसेंस करना है रेंडर वो रिड्यूसेंस करते हैं और जिसको ये करना है वो करते हैं, डीएनएस करते हैं रेंडर, इसे रेंडर कर देते हैं गाइज। तो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ रेंडर कैसे करते हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोड भी ऐड करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, आज के लिए था, थैंक यू गाइज़।